हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे आर ओ विलेज व्लॉग में। तो गाइस, ये हमारा चैनल का फर्स्ट व्लॉग है, तो प्लीज़ पूरा सपोर्ट दिखाना। और आज हम जा रहे हैं बेट द्वारका शिव ज्योतिर्लिंग, जो शिव जी का मंदिर है और जहाँ बड़ी स्टैचू है वहाँ जा रहे हैं। तो गाइस, व्लॉग कैसा लगे वो ज़रूर बताना और कमेंट करके कमेंट जरूर से कर देना। तो चलो गाइस चलते हैं। तो गाइस, यहाँ हमारे जो गाड़ी है उसकी गैस ख़त्म हो गई थी, तो यहाँ गैस पुराने रुके हैं, तो चलो चलते हैं। तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है गाइस, अंदाजे 200 किलोमीटर दूर है। तो जो है वो भी सब बंद है क्योंकि कुछ कारणों से। जैसी सुबह हुई हम यहाँ थोड़ा सा रेस्ट करने रुके, और जैसे ही द्वारका आने लगा तो क्या है कि यहाँ जो मच्छी है उसकी दुर्गंध ज़्यादा आ रही थी। तो अभी आप देख सकते हैं बोर्ड, जो यहाँ से गोपी तालाब है 18 किलोमीटर और ओखा बंदर है 40 किलोमीटर। तो चलो जल्दी से चलते हैं, पहला जाते हैं जो शिव जी की मूर्ति है यहाँ शिव ज्योतिर्लिंग, वहाँ जाते हैं, फिर आपको आगे चल के मैं बेट द्वारका वो सब दिखाऊँगा। तो जैसे ही इस गेट से हम एंटर होते हैं तो ये है भगवान शिव की नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। आप देख सकते हैं यहाँ से जैसे ही एंटर हुए, यहाँ भगवान शिव की एक बड़ी प्रतिमा है। अभी तो इसमें कुछ वर्क हो रहा था इसलिए सब ऐसे बाम्बू वो सब लगाए हुए, लेकिन ऐसे बाम्बू होते नहीं हैं। तो चलो गाइस, मैं आपको मंदिर तरफ चल के दिखाता हूँ कि मंदिर कैसा है। तो जो सामने आप देख रहे हैं वो एक मंदिर है, भगवान शिव का जो मंदिर है। तो यहाँ मोबाइल शायद अलाउड नहीं था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था इसलिए मैं मोबाइल लेके अंदर चला गया, लेकिन किसी ने मना नहीं किया, अच्छी बात है। मैं आपको अंदर के थोड़ी दिखा देता हूँ कि मंदिर अंदर कैसा है। तो जैसे ही हम यहाँ से एक सीधी लाइन है, दोनों तरफ जाली लगाई हुई है जिससे कोई ऐसे कहीं और ना जा सके, सीधे जो मंदिर है उसमें दर्शन कर सकते हैं। और आपको बाहर से प्रसाद लेके आने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ अंदर से भी प्रसाद जो आपको चढ़ाना है वो सब आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ सब माला वो सब रखी हुई है, तो प्रसाद भी यहाँ से मिल जाता है। जो आपको प्रसाद लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे ही हम एंटर अंदर जाते हैं तो सामने ही मंदिर है, तो दर्शन करके वहाँ मैंने मोबाइल बंद कर दिया था क्योंकि ज़्यादा भीड़ थी। तो यहाँ ऐसा मंदिर है, अब कुछ ऐसा नज़ारा है मंदिर का, आप देख लो अंदर। तो गाइस, ये है मंदिर का नज़ारा, मंदिर का नज़ारा आप देख लो। तो जैसे ही पीछे आते हैं, यहाँ एक अखंड धुआं है जो 12 मास जो इसमें आग जली हुई होती है, और यहाँ जो भभूति है जो जिससे आप तिलक लगाते हो। तो जो मंदिर के जो पुजारी थे वो बोल रहे थे कि अगर आप यहाँ तिलक लगाओगे तो आपका जो मगज माइंड है वो एकदम शांत हो जाएगा। तो हमने यहाँ भभूति लगा के आगे चलते हैं। तो गाइस, यहाँ जो मंदिर है उसके जस्ट पीछे एक तालाब है छोटा सा, तो यहाँ बहुत ठंडी हवाएं आ रही थी और बहुत ही सुंदर वातावरण था। तो एकदम यहाँ सफाई भी घंटे दो घंटे बाद शुरू रहती है क्योंकि यहाँ जो पेड़ है उसके पत्ते थोड़ी देर बाद गिरते थे, इसलिए सफाई भी जरूर होती है। तो थोड़ी देर वहाँ बैठे, ऐसे ही नज़ारे मौज किया और फिर चलने के आगे, क्योंकि गाइस अभी हमें बेट द्वारका गोपी तालाब वहाँ भी जाना है। तो
ज़्यादा मतलब लेट ना हो, इसलिए थोड़ी देर ही रेस्ट किया और फिर बाद में चले, क्योंकि ज़्यादा देर हो जाएगी तो शाम हो जाएगी तो घूमने में मज़ा नहीं आएगा। तो चलो गाइस चलते हैं आगे। तो अभी जा रहे गाइस बेट द्वारका की तरफ, और तो वो आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा बेट द्वारका की तरफ जा रहे। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।